तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि हम आज की बहस दो टूक में क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले वादों के खटाखट बयान, किसे फायदा किसे नुकसान। पांचवें चरण की लड़ाई, चुनाव के बाद पीओके पर क्या होगी चढ़ाई। 400 पार की दरकार, जनता देगी इस बार। संविधान पर बताओ खतरा, वोट मांगो डरा डरा। तो ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए तमाम जो संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य मैथिल हैं, बीजेपी से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भुवन भास्कर जोशी जी हैं, एसपी से प्रवक्ता हैं और जेवा खान जी हैं, कांग्रेस से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जेवा खान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए पांचवा चरण सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट तो कांग्रेस के लिए भी है क्योंकि दो ऐसी सीटें और उन सीटों को लेकर जो बयानबाजी इस समय देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं आप? कल का दिन कितना अच्छा और कितना खास? नहीं, बहुत अच्छा होने जा रहा है और जो रैलियां हो रही हैं राहुल गांधी जी की, आप देख सकती हैं कि जनता का प्यार और जन सैलाब उमड़ रहा है। देश की जनता राहुल गांधी जी पर विश्वास कर रही है, युवा विश्वास कर रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त से जो 30 लाख सरकारी पद है उनको भरना शुरू कर दिया जाएगा और 1 जुलाई से हर महिला के खाते में 8500 रुपए जो गरीब परिवार की जो महिला मुखिया होंगी उनके अकाउंट में आएगा। तो किसे खराब लगता है? और किसानों के लिए हमारी जो गारंटी है वो 3 गारंटी है किसानों के लिए। एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार इन्हें एमएसपी जो मिलेगा और उनके कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, इस तरह के बहुत सारी उपलब्धियां और जो फैसिलिटीज है कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। और हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम जुमले नहीं देते हैं, हम वाकई देश की सेवा करते हैं। आजादी जब मिली थी तो कांग्रेस पार्टी को लहूलुहान देश मिला था, ऐसा देश मिला था जिसका पूरा शोषण अंग्रेजों ने कर लिया था और खून से लथपथ और यहाँ पर एक कोई भी नहीं बनती थी। और कांग्रेस पार्टी ने इसरो तक और आज जो मोदी जी सारे भेज रहे हैं यान भेजकर और खुद अपनी पीठ थपथपा रहे, ये सब कांग्रेस पार्टी ने लाए हैं और चंद्रयान सारे कांग्रेस पार्टी का लाया हुआ आज। यानी कि जेवा जी, कांग्रेस मुद्दों पर आधारित पार्टी है और मुद्दों पर आधारित बयानबाजी चल रही है, लेकिन बीजेपी लगातार निशाना साध रही है अमेठी सीट को लेकर। भाषण जो है पांचवें चरण से पहले सातवें आसमान पर नजर आ रहे हैं जी। देखिए देखिए, भाषण देने से क्या होता है, असलियत तो पता है कि अंदर से ये डर गए हैं, खोखले हो गए हैं, जिनका जिनको यकीन होता है अपने जीत का, ना गृह मंत्री जी हो, लगातार 16 कैंडिडेट्स का जो नॉमिनेशन वापस ले लिया जाता है गांधीनगर से, इतने मजबूत सशक्त गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी के स्पीचेस जो है लगातार कुछ भी बोल रहे हैं, आप मैच कीजिए ना, उलझुल भाषण दे रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कमजोर सरकार होती, यानी भाचपा एक्सेप्ट कर रही है, आप मिलाइए, इनकी हालत खराब है, यानी कि भाजपा को हार का डर है और इसलिए भाजपा की ओर से लगातार हर चरण से पहले बयानबाजी और उसका मुद्दा बदला जा रहा है, ऐसा आप कह रही हैं। और भुवन भास्कर जोशी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, भुवन भास्कर जोशी से भी ये जान लेते हैं। देखिए, परीक्षाएं 7 चरणों में चल रही है, कल 5वां चरण है, लेकिन सपा की अगर बात करें, बयानबाजी जो हो रही है और खुलकर सपा पर निशाना बीजेपी ये साध रही है कि जो चुनाव है वो राम विरोधी और राम भक्तों के बीच है। भुवन भास्कर जोशी जी, आवाज आपको मिल रही है? और सूर्य मैथिल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवन जी, आपके पास मैं लौटूंगी, सूर्य मैथिल जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका स्वागत करती हूं। सूर्य मैथिल जी, देखिए कांग्रेस की ओर से तमाम आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि हर चरण से पहले बीजेपी को खतरा मंडरा जाता है और इसलिए बीजेपी अपने बयानों को हर चरण से पहले बदलती है, अपने बयानों में एक नया मुद्दा लेकर आती है। धन्यवाद दीपशिका जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। अभी मैं सुन रहा था जेवा खान जी को, वो लगातार कह रही थी कि इतनी भर्तियां निकाल देंगे और हर महिला के हर परिवार के अंदर 8500 रुपए जो है अकाउंट में डाल देंगे। पहले तो मेरी बहन इतना ही बता दो कि देश का बजट कितना है,
47 लाख करोड़ का बजट है और आप जो कैलकुलेशन बता रही है उसके हिसाब से 50 लाख करोड़ रुपया खटाखट 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 आप अकाउंट में डलवा देंगी। तो ये समझ में आता है कि जुमला कौन बोल रहा है? आपके बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपसे बात नहीं हो रही है। मैं पहले अपनी बात को रख दूं, जरा थोड़ा सा सभ्यता का विषय रखा कीजिए, बौखलाइए मत, ये आदत है कांग्रेस की। अब एक बात और दीपशिखा जी मैं बता देता हूँ जी, ये जो आने वाला चरण है छठा चरण, इसके अंदर जो अभी रायबरेली और अमेठी में जो चुनाव होने जा रहा है, आप देखिएगा कि अमेठी के अंदर पिछले 5 साल में हमारी जो सांसद और मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने जिस प्रकार से चौमुखी विकास किया है, लगातार सड़कें बनवाई हैं, लगातार वहां पर जो है नल से जल पहुंचाया है, पक्का घर दिया है, इज्जत घर दिया है और आयुष्मान योजना से काम किया है, बजट सैंक्शन कराया अमेठी के लिए। अरे एक बस अड्डा नसीब नहीं था 60 साल में इनके राज में, तिलोई का बस अड्डा वो 60 साल में हमारी सरकार ने बनवाया है वहां पर, और अपराध के ऊपर बड़ी चोट दी है हमने, किसी गुंडे को हम नहीं छोड़ेंगे, ये हम वादा कर रहे हैं, और जितने भी गुंडे अपराधी होंगे उनके घर पे हम बुलडोजर चलवाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि इनके युवराज दूसरे चरण के अंदर वायनाड में चुनाव लड़े, वहां पर जब इनको पता चल गया कि इनका डब्बा गोल हो गया तो ये दौड़कर रायबरेली आ गए। मैं ये पूछना चाहता हूं, दम तक तो अमेठी से लड़ते, रायबरेली से लड़ने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन चलिए, इस बार दूसरे पांचवें छठे चरण के चुनाव मतदान में आप देखिएगा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी का साथ खड़ा होगा। तो चलिए, आपका बयान है और भुवन भास्कर जोशी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, एसपीसी प्रवक्ता हैं। भुवन जी, देखिए बीजेपी लगातार ये निशाना साध रही है कि राम विरोधी और राम भक्तों के बीच ये चुनाव है, और लगातार जो चरण आगे आ रहे हैं चुनावों के, उनमें क्या लगता है कि एसपी क्या इस पर वाकई बैकफुट पर नजर आ रही है? क्योंकि जहां अयोध्या की बात होती है, जहां पर राम मंदिर की बात होती है, वहां पर जनता बीजेपी के साथ नजर आती है। जनता वहां पर ये मान रही है कि बीजेपी ने वाकई वहां पर चीजें बदल कर रख दी है। लगभग 30 वर्ष के राजनीतिक अनुभव और सामाजिक अनुभव के बाद मैं ये देख पा रहा हूँ कि 2024 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता। दूसरा विषय, अभी बात आई कि अमेठी की, हमारे साथी लोग बताने का काम कर रहे थे, अमेठी के लोग 13 रुपए किलो चीनी वाली को ढूंढने का काम कर रहे हैं और उनको जवाब देने का काम कर रहे हैं। 13 रुपए किलो चीनी कौन बांट रहा था ये पता। इसके अलावा जब 400 रुपए का सिलेंडर था जो अपने सर पे सिलेंडर उठा लेती थी, आज 1200 के सिलेंडर में जो चुप्पी शादी हुई है, मौन शादी हुई है, उनको भी जवाब देने का काम अमेठी की जनता करने का काम कर। और रही बात आज जिस प्रकार का आकर्षण, जिस प्रकार का लोगों का जनसैलाब आदरणीय अखिलेश यादव जी की जनसभा में, आदरणीय राहुल गांधी जी की जनसभा में भरा है, तो ये सुनिश्चित हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो जुमले वाली सरकार था उसका 4 जून को बदल जाना बिल्कुल निश्चित हो गया। क्योंकि इन्होंने जो किसानों से वादे करे थे, जो युवाओं से वादे करे थे, जो महिलाओं से वादे करे थे, वो वादे सारे झूठे साबित हुए। चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का वादा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा थी, आपने देखा किस प्रकार आज परीक्षा लीक का केंद्र बन गया उत्तर प्रदेश, और किस प्रकार वहां पर बच्चों ने आत्महत्या कर। भुवन जी, चीजें हो रही हैं, ये चीजें अगर हो रही हैं, बीजेपी लगातार इन चीजों में कहीं विफल साबित हो रही है, सवाल पूछा जाएगा बीजेपी से। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी कि जब भी सपा या कांग्रेस की कहीं रैली होती है और जिस रैली को एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है, उस रैली में जो कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, ये भी तो अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं ना जनता को? देखिए ये तो मैंने बताया ना जीविका जी, मैंने बहुत जिम्मेदारी से आपको बताया, ये चुनाव देश की जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। और आप देखिए कि जिस प्रकार आप युवाओं की परीक्षा ली हुई है, उन्होंने आत्महत्या करी, चाहे कन्नौज का पाल बालक हो, चाहे पुलिस परीक्षा लीक होने के कारण हमारी और आपकी बेटी ने परीक्षा सुसाइड करने का काम करा, ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं। जिस प्रकार असमत लूटी गई है मणिपुरी में, मणिपुर में, और जिस प्रकार असमत लूटी गई है, आपने देखा होगा पहलवान बेटियों के साथ, कानपुर में माँ बेटी के साथ, दलित बेटी के साथ, 20 सेकंड दीजिएगा दीपशिखा जी, हाथरस में जी, हाथरस में आपने देखने का काम करा, उन सब पर जनता मोहर लगाने वाली है। चलिए देखते हैं मोहर किसकर लगती है, क्योंकि आंकड़े जो है वो कुछ और बयां करते हैं। सूर्य मैथिल जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सूर्य जी,
देखिए दीपशिखा जी जिम्मेदारी से हमारे बड़े भाई हैं भुवन भास्कर जोशी जी, वो कह रहे हैं, मैं उनको एक बात कह देना चाहता हूं कि जिम्मेदारी आपकी और एक जिम्मेदारी मेरी, मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा, मोदी की गारंटी है कि हर घर में नल से जल पहुंचेगा, मोदी की गारंटी है मेरी हर बहन को इज्जत घर मिलेगा, मोदी की गारंटी है कि हर मेरे भाई को आपका प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से अच्छा इलाज मिलेगा। लेकिन एक बात और, आज आपके गले में भगवा पटका बड़ा अच्छा लग रहा, एक गारंटी और दे रहा हूं मैं आपको, 2024 के चुनाव के बाद जितनी भी ये पार्टियां हैं ना दीपशिखा जी, ये जितनी भी पार्टियां हैं आप देखिएगा इसी प्रकार से भगवा पटका डालकर और गले में राम नामी ओढ़कर लंबा सा टीका लगाकर और गले में रुद्राक्ष की माला डालकर राम नाम जपते कर पड़े मिलेंगे आपको हर चैनल के ऊपर। क्योंकि आज तक जो केवल और केवल हिंदुत्व को गाली देते हो, हिंदुत्व को मारने की बात करते हो, हिंदुत्व को डेंगू मलेरिया कहने की बात करते हो, ऐसे लोग आज भगवा पटका डाल के गले में बैठे हुए हैं। इससे बड़ा क्या प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में हवा क्या चल रही है। अगर हिम्मत थी तो भैया लाल टोपी लगाते और गले में हरा पटका डालते ना, जो पहले करते थे, जाते पतारी करते जाते और मजारों पे जाके चदरे चढ़ाते। नहीं, अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू जागा हुआ है। ये लोग अगर सत्ता में आ गए ना दीपशिखा जी, तो अपना असली रंग दोबारा दिखाएंगे, राम मंदिर के ऊपर ये बुलडोजर चलाने की कोशिश करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने ही बड़े सनातनी थे तो भैया रामलला विराजमान की प्रतिष्ठा में जाते ना, वहां पर जाके अपने पापों का प्रायश्चित करते, उस सरयू घाट पे जहां मैं और आप भी मिले थे, वहां जाके वहां जो हमारे क्रांतिकारी हमारे राम। बिल्कुल सूर्य मैथिल जी, जेबा जी से एक सवाल यहां पर ले लेते हैं। कांग्रेस जी काउंटर दीजिए, दीपशिखा जी काउंटर दीजिए पहले मुझे जी। चलिए आप बोलिए जी भुवन जी। दीपशिखा जी पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से कहता हूँ, कहीं सही जगह नेत्र विशेषज्ञ को दिखा ले, अब इनको लाल और भगवे में अंतर नहीं दिखाई देता। पहला अरे आज और तक कोई भी प्रवक्ता लाल क्या है, क्या लाल या भगवा पटका डाल के नहीं आए हैं। ये जो भगवा पटका डाल के बैठे हुए हो ना, ये पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितना डर गई है। चलिए देखिए वापस इस पर हम लौटेंगे, वापस इस पर लौटेंगे, आपकी बातों को हम आगे रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जवाब मैं जेबा जी से लेना चाहूंगी। जेबा जी देखिए, बीजेपी ने 2024 में अपने तमाम मुद्दों पर एम फैक्टर को सबसे ज्यादा ऊपर रखा है, और उस एम फैक्टर में बात करूं तो मोदी की गारंटी हो गई, माइनॉरिटीज को लेकर तमाम चीजें हो गई, या फिर मंगलसूत्र की हम बात कर लें, या फिर महिलाओं की हम बात कर लें, ये जो एम फैक्टर है इसे पार पाने के लिए कांग्रेस के पास, एसपी के पास क्या है ऐसा जो जनता को दिखा दे और ये कह दे कि हम बीजेपी से अच्छा एक विकल्प हो सकते हैं। क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अगर आप लोग सरकार में आते हैं तो आरक्षण के नाम पर तमाम चीजें एक बंदर बाट जो रहती है वो की जाती है, अगर आती है कांग्रेस या सपा तो राम मंदिर को लेकर भी खतरा है। देखिए भाजपा ये जो चार चरण के चुनाव हो गए हैं और कल पांचवा चरण है, इसमें इनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है और इस बात का एहसास हो गया है इन्हें, इसीलिए लगातार जो है एक नए जुमले छोड़ रहे हैं और देश की जनता को डराना चाहते हैं, डराकर और उसे पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, लगातार ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, डर दिखाया जा रहा है। देखिए जेबा जी दो चीजें मैं कहूंगी, माना भाजपा ध्रुवीकरण कर रही है, नहीं आपका सवाल सुनूंगी, लेकिन जातिवाद को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा तो सबसे आगे इस समय दिखाई दे रही है जी। बहुत फर्क है जी, करने का मौका दीजिए। देखिए इनको मैंने बोला नहीं है बीच में, इसीलिए बोलिए जी जी। जेबा जी बोलिए, कांग्रेस में और भाजपा में बहुत फर्क है। 2014 में जो वादे करके आए थे, जो सबसे पहला 15 लाख अकाउंट में आएंगे, जिस बात को देखते हुए देश की जनता ने वोट दिया था, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम खत्म हो जाएगी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ये सारे वादे तो देखिए एक भी पूरे नहीं हुए मैम, और किसान अभी भी पंजाब के खनौली और
बीजेपी जब किसानों को व्यापारी बनाने की बात करती है, जो तीन कानून लाए थे, तो उसमें सबसे ज्यादा जो विरोध है वो कांग्रेस की तरफ से भी किया गया था। देखिए, और किसानों को आप तीनों काले कानून लाए, अडानी और अंबानी को पहले से सपने थे क्या, जो पंजाब में हरियाणा में साइलोस बन गए थे हर जगह। दीपशिखा जी 20 सेकंड दीजिएगा मुझे, एक मिनट, ये बीच में क्यों बार बार बोल रहे हैं। दीपशिखा जी बोलिए जी। जी जेबा जी बोलिए, आऊंगी आपके पास। सूर्य जी, जी पंजाब और हरियाणा में पूरे साइलोस कैसे बन गए थे, यानी पहले से प्लान था कि किसानों की जो आय है और संपत्ति है, जमीन है, पूरी खेती और फसल को हड़प लिया जाए, उसे भी अडानी और अंबानी के। चलिए, किसानों ने, पंजाब के किसानों ने दरकिनार किया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो अनाज है देश को वो यूपी के किसान देते हैं। सूर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सूर्य जी, यूपी देखिए, अभी जेबा खान जी यहाँ बैठकर बहुत सारी बातें, फर्जी बातें फैला रही है। मैं से पूछना चाहता हूँ, फर्जी बातें आप लोग, तेलंगाना के अंदर 4% मुस्लिम आरक्षण जो है वो किसके आधार पे दिया गया? संविधान में मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान है क्या, ये बताइए मुझको। उसके अलावा ओबीसी आरक्षण के अंदर आपने कर्नाटक के अंदर किससे पूछकर और किस आधार पर आपने मुसलमानों को आरक्षण दिया, जरा ये बता दीजिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ बैठकर आप इतनी सारी बातें कर रही हैं मेरी बहन, मुझे इतना तो बताइए कि कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश पे राज किया, 60 साल में आप एक महिला गरीब, अरे सुनिए, अभी आप ज्ञान दे रही थी ना, अभी आप ज्ञान दे रही थी ना, अभी आप ज्ञान दे रही थी ना, अरे अपने शहजादे सुनिए, आपने मंगला की बात की, यहाँ से आलू डालूंगा और वहां से सोना निकालूंगा, कि मशीन कहाँ है जरा बताइए ना मुझको। आप लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमने सबसे पहला डिसइन्वेस्टमेंट कांग्रेस ने किया था, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको किसने डिसइन्वेस्ट किया? कांग्रेस सरकार ने किया। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको किसने डिसइन्वेस्ट किया? ये कांग्रेस ने किया। उसके अलावा यूटीआई यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको किसने डिसइन्वेस्ट किया? अच्छा जेबा जी, इस बीच एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी। जेबा जी, अभी जो भाजपा है लगातार, जो उसके बड़े नेता हैं, अपने प्रचार में मुद्दा उठा रहे हैं, पाकिस्तान का मुद्दा इस समय केंद्र में नजर आ रहा है, दूसरा है पीओके का मुद्दा, इसे किस तरीके से कांग्रेस देख रही है? देखिए, ये बिना पाकिस्तान के पीओके के, अरे पाकिस्तान से आपको बहुत प्यार है, पाकिस्तान में बड़ा प्यार आप करते हो, आपने कश्मीर के अंदर 370 लगा के रखी, 35 लगा के रखी, अब सरकार आएगी तो हम लोग पीएके भी वापस लेंगे। जी जी जेबा जी, अब बोलिए सूर्य जी, एक बार इनका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद सवाल पूछा जाएगा। जी जेबा जी बोलिए। जी जी जेबा जी बोलिए आप। दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान खत्म किए हैं आप लोग, पाकिस्तान के साथ बिरयानी खाते थे, लेकिन बीजेपी आई, उन्होंने 370 हटाई, 35 हटाई, दोनों बार खुदकर सर्जिकल स्ट्राइक किए वहां पर, हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बीच भुवन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। भुवन जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। भुवन जी, आप भी काफी समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भुवन जी, चिल्लाने से कुछ नहीं। जीवा जी, सूर्य जी, एक बार भुवन जी का सवाल हम पूछ लेते हैं। जी भुवन जी, दीपशिखा जी, मैंने जवाब दिया, मुझे सूर्य जी ने बोलने नहीं दिया, मैं बोलने दूंगा तुमको। दीपशिखा जी नहीं दूंगा। 2024 का जो चुनाव, 2024 का जो चुनाव है, दीपशिखा जी, हम इसको इस तरह देख पा रहे हैं, जनता ने हाथ में ले लिया है, और लगातार जो वैक्सीन के बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने 500 करोड़ का चंदा लेकर देश को हार्ट अटैक की बीमारी गिफ्ट करने का काम। अरे भुवन जी, क्या कह रहे हैं आप, उसकी 0.0013, यानी कि आप इसका अंदाजा समझते हैं, 1,00,000 जनता में 13 लोगों को यह खतरा हो सकता है। अभी इस पर टिका टिप्पणी उतनी उचित नहीं होगी जितना हमारा आज का ये मुद्दा है। दीपशिखा जी, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। मैं समय आजमगढ़ में जी, बताइए, लगातार 5वीं लोकसभा में काम कर रहा हूँ, लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता वो वैक्सीन लगाने जा रही है जो सत्ता से इनको बेदखल कर देगी। और मैं कहूंगा, 500 करोड़ का चंदा लिया, आपके ही आंकड़े को अगर सत्य मान लिया, तो हमारे युवाओं में जो हार्ट अटैक की जो समस्या हुई है वो केवल गिफ्ट है माननीय मोदी जी का इस देश के युवाओं। और ये जवाब देंगे युवा, महिला, किसान इस बार जब चुनाव का रिजल्ट होगा, और जिस प्रकार चंदे की
आपने देखा होगा 5,986 करोड़ का। भुवन जी एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, अगर वैक्सीन नहीं लगती तो अभी जो 0.0013% का खतरा जो वैक्सीन लगने के बाद है, कोरोना के समय वो वैक्सीन नहीं होती उस समय जो एक रिस्क था वो ज्यादा हो जाता और तब अगर ज्यादा मौतें होती, क्या उसकी जिम्मेदारी फिर सपा लेती? आपको पता है या नहीं पता? मुझे पता नहीं, मुझे आज आश्चर्य हो रहा आपसे, मैं लगातार डिबेट करता हूँ। 500 करोड़ का चंदा लिया है, चंदे के बाद बंदा दिया है। आप तो वैक्सीन के जरिए हार्ट अटैक की बात कर रहे थे, मैं उस पर कह रही थी।